और चलिए आपको सरकारी अस्पतालों की हकीकत से भी रूबरू कराते हैं। सरकारी अस्पतालों में धरती के भगवान यानी डॉक्टर जो ना करे वो कम है। फरुखाबाद में सड़क दुर्घटना में घायल एक परिवार को लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज किए बिना ही अस्पताल से भगा दिया। पानी की तरह पैसा बहाती है सरकार सूबे में स्वास्थ्य विभाग की सेहत सुधारने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे लकवा मार गया है स्वास्थ्य विभाग की तमाम व्यवस्थाओं को। यहाँ तो अस्पताल में तड़पते रहते हैं मरीज, दवा की बजाय दिया जाता है बस दर्द। आप खुद ही सुन लीजिए पीड़ित की जुबानी फरुखाबाद के अस्पताल की कहानी। जब अस्पताल प्रशासन ने कह दिया कि डॉक्टर नहीं है, दवाई भी नहीं है, अस्पताल छोड़ो और घर जाओ। इनको कोई दवा दारू नहीं, रात भर तो दर्द के मारे हम सारी रात बैठे रहे। अभी सुबह जब कहा तो कि ये लगाए रहने दो, अभी बोतल लगी वो लगेगा, और कुछ नहीं हुआ। अब जब कहा जाता तो बोली गया था छुट्टी करा ले जा। मोहम्मदाबाद के नगलाबाग रठोरा के रहने वाले प्रेमचंद्र परिवार सहित सड़क दुर्घटना में हुए थे घायल, लोहिया अस्पताल में हुए थे भर्ती, लेकिन एक दिन मरहम पट्टी के बाद फिर किसी ने पलट कर नहीं देखा। 3 दिन तक न पट्टी बदली गई, न दवा दी गई, दर्द से बिलखता रहा परिवार। वहीं जब CMS डॉक्टर बीबी पुष्कर से पूछा गया तो वो भी डॉक्टरों की कमी का रोना रोने लगे। हमारे यहाँ वैसे ऑलरेडी शॉर्टेज थी डॉक्टर्स की, और इस बीच 3-2 डॉक्टर्स के ट्रांसफर हो गए शासन में, तो वो रिलीव कर गए पुराने CMS साहब। तो उसके बाद अब CMS साहब भी चले गए, तो हमारे यहाँ समस्या तो खैर है ही, तो वो ऑलरेडी हमारे यहाँ इतनी शॉर्टेज चल रही थी डॉक्टर्स की, और 2 डॉक्टर हमारे यहाँ कम हो गए, और वो बिल्कुल यंग चेयर थे जो काम करने वाले थे। बहरहाल ये हाल है सूबे में सरकारी अस्पतालों का। बड़ा सवाल ये है कि कहाँ जाए गरीब, कहाँ कराए इलाज। देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी, ये है सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।